नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। अयोध्या के विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत को लेकर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि जो चुनाव का शेड्यूल है उसके मुताबिक ये सारे प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं और आगे जो भी कार्यक्रम है उसको निर्धारित रूप से पूरा किया जा रहा है। इस चुनाव को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। आपको बता दें कि जिसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान तैयार है। साथ ही साथ जो प्रोवाइंटक एक्शन है वह भी हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। लगभग 32,000 से ज्यादा लोगों के 107/16 के तहत पाबंद किए गए हैं। जिला बदर की कार्यवाही भी काफी संख्या में की गई है। 30 से ज्यादा लोगों को जिला बदर किया गया है। 200 से ज्यादा लोगों के विरुद्ध प्रस्तावित कर रखा है, जल्द ही इनको जिला बदर कराया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत 200 से ज्यादा अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें से 40 से ज्यादा लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। धारा 14(a) गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। अवैध असलहे भारी संख्या में बरामद किए गए हैं। लगभग 200 से ज्यादा अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 14,000 लीटर से ज्यादा शराब पकड़ी गई है। ये हमारी कार्यवाही नियमित रूप से प्रचलित है। हम FST, SST, थाना चेक पोस्ट, इन सब के माध्यम से आदर्श आचार संहिता लागू कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जहां तक राजनीतिक पार्टियों के मतभेद की बात है तो राजनीतिक पार्टियों के साथ उनके साथ मीटिंग करके आचार संहिता का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। पुलिस प्रशासन आदर्श आचार संहिता को लागू कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव, मतदाता निर्भय होकर वोट डालने जाए। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से सुनिश्चित है। उस पर क्या कार्रवाई की गई थी? देखिए, हम सभी अवगत हैं, विधानसभा चुनाव 2022 को दृष्टिगत रखते हुए जो शेड्यूल है उसके तहत सारे कार्यक्रम प्रचलित हैं। नामांकन का कार्य ऑलरेडी समाप्त हो चुका है और आगे के जो भी टाइमलाइंस है उसको एज पर टाइमलाइंस उसको फॉलो किया जा रहा है। साथ ही साथ इस चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान कराने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान जो है तैयार है। साथ ही साथ जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी हम लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं। लगभग 32,000 से ज़्यादा व्यक्तियों को 107/16 के तहत पाबंद किया गया है। जिला बदर की कार्रवाई भी काफ़ी संख्या में की गई है। 30 से ज़्यादा लोगों को जिला बदर किया गया और कई लोगों के जिला बदर की कार्रवाई जो है प्रचलित है। लगभग 200 से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने प्रस्तावित कर रखा है, जल्द ही इनको जिला बदर कराया जाएगा। साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत 20 से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 40 से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। धारा 14(a) गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों की संपत्ति भी हम लोगों ने इस दौरान कुर्क की है। अवैध असलहे भारी संख्या में बरामद किए गए, लगभग 200 से ज़्यादा अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 14,000 लीटर से ज़्यादा शराब पकड़ी गई है और ये हमारी कार्रवाई नियमित रूप से प्रचलित है। हम FST, SST तथा थाने, हमारे चेक पोस्ट, इन सब के माध्यम से जो आदर्श आचार संहिता है उसको एनफोर्स कराने के लिए पूरी तरह से हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके समर्थकों के आपसी मतभेद का प्रश्न है, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि चुनाव की घोषणा के तत्काल बाद मेरे और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठक की गई और उनको माननीय भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस है आचार संहिता से संबंधित और साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल से संबंधित वो पूरी तरह से अवगत कराया गया। सब्सिक्वेंटली जो भी निर्देश आते रहे हैं उसको प्रेस रिलीज के माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवगत कराया जाता रहा है। पुलिस प्रशासन आदर्श आचार संहिता एनफोर्स कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पर अब तक कोई भी चुनावी हिंसा का मामला नहीं आया है। 1-2 स्थानों पर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के समर्थक एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे, तत्काल पुलिस टीम पहुँच के उनको वहाँ से हटा दिया गया था और किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई थी। एक जगह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला आया था, उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके अंतर्गत भी विवेचनात्मक कार्रवाई हमारी प्रचलित है। लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी वोटर्स अपने मतदान केंद्र पर जरूर जाएं और वहाँ पर वोट करें, अपने मताधिकार का प्रयोग पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ करें और इस मतदान को भयमुक्त वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं।